वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल टेल यू सम अदर क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू चैप्टर 9 फोर्स वर्क एंड एनर्जी. ओके, सो अटेंड टू मी. पेज नंबर 101, सी का 5 देखो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली. तो इसका आंसर क्या हुआ, देखो यहाँ पर सिंगल फिक्स्ड पुली है और यहाँ सिंगल मूवेबल पुली है. इसका फर्स्ट पॉइंट होगा इट इज़ फिक्स्ड टू ए रिजिड सपोर्ट. इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट इज़ नॉट फिक्स्ड टू ए रिजिड सपोर्ट. सेकेंड पॉइंट देखो, इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज 1 और इसमें क्या होगा, इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज 2. ओके, डी का 1 देखो, वेन इज वर्क सेट टू बी डन. तो इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर इन साइंस वर्क इज सेट टू बी डन ओनली वेन फोर्स चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वेन वी पुश ए टेबल एंड इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क इज डन. वेन वी पुश ए वॉल विथ ऑल द फोर्स वी हैव एंड देर इज नो चेंज इन इट्स पोजिशन, देन नो वर्क इज डन. ओके, अब इसका जो है डी का 2 देखो, डिफाइन लोड इफोर्ट एंड फलक्रम एंड मैंशन देयर पोजिशंस इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास लीवर्स. ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आपको दिया गया, इसमें से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा. द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज टू बी परफॉर्म इज कॉल्ड लोड. ठीक है, सेकेंड में है द फोर्स अप्लाइड ऑन ए लीवर टू लिफ्ट द लोड इज कॉल्ड इफोर्ट. और थर्ड में क्या है, द फिक्स पॉइंट ऑन विच ए लीवर टर्न्स इज कॉल्ड फलक्रम. ठीक है, और इसमें कहता है कि पोजिशन दिखाने के लिए, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास लीवर में लोड है, फलक्रम है, इफोर्ट है, पोजिशन दिया गया है. देखिए यहाँ पर लोड है, फलक्रम है, इफोर्ट है, यहाँ भी देखिए लोड है, फलक्रम है, इफोर्ट है, सबका पोजिशन दिखाया गया है, वो आप दिखा दीजिएगा. ऐसे ही आपको जो है सेकेंड क्लास लीवर में देखिए, यहाँ भी दिखाया गया है, फलक्रम है, इफोर्ट है, लोड है ना, दिख रहे हैं आप, फलक्रम है, लोड है, इफोर्ट है, फलक्रम है, लोड है, इफोर्ट है. ऐसे ही थर्ड क्लास लीवर में भी आपको दिखाया गया है, फलक्रम, इफोर्ट, लोड. यहाँ देखिए फलक्रम है, इफोर्ट है, लोड है, यहाँ भी फलक्रम है, इफोर्ट है, लोड है, सब दिखाया गया है. तो इसमें से आप इसको दिखा दीजिएगा. ठीक है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको जो है समाप्त हो गया. नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हम चैप्टर 9 का तो क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर. ओके, तो इतना ध्यान रखिएगा. थैंक यू.